आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की बात, लेकिन सबसे पहले आपसे कहना चाहते हैं हमें यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप दोस्तों से एक अनुरोध है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस प्रकार की घटना या न्यूज़ जो भी हो आपको हम समय पर दे सकें। हमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आप एक छोटा सा क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अब बात करते हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र की, हम 2010 और 2015 की चुनाव की बात करेंगे। एक और बात आपसे कहने की, अगर आप समस्तीपुर ज़िले के हैं, समस्तीपुर ज़िले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर आपने किसी भी विधानसभा क्षेत्र को मिस किया है तो आप जो ऊपर आई बटन का सिंबल दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का वीडियो देख सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपके अपने विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण के हिसाब से वीडियो मिल जाएगा और वहां पर देखें। और जो दोस्त अभी तक नहीं देखे वो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। चलिए शुरुआत करते हैं 2010 में वहाँ के विधायक कौन रहे वारिसनगर के। तो वहाँ के विधायक 2010 में जो गठबंधन था NDA गठबंधन, उसमें जदयू के खाते में गया था, जिसमें उनको खड़ा किया था वहाँ पर अशोक कुमार को, और वह विजयी भी रहे थे। जदयू के कोटे से था, 46,245 मत अशोक कुमार को प्राप्त हुए और वहाँ से विजयी रहे। वहाँ पर रनर अप के रूप में रही वारिसनगर से RJD के गजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें तकरीबन 26,745 मत प्राप्त हुए और वो गजेंद्र सिंह RJD वहाँ से हार गई। अब बात करते हैं 2015 के चुनाव की, जहां पर 2015 के चुनाव में महागठबंधन और गठबंधन का लड़ाई था, जिसमें महागठबंधन की तरफ से यह सीट JDU को गई और JDU फिर से यह सीट निकालने में कामयाब रही और उनके जो कैंडिडेट इस विधानसभा क्षेत्र में थे वही थे जो पुराने थे, अशोक कुमार। अशोक कुमार को तकरीबन इस बार 2015 के चुनाव में 92,687 मत प्राप्त हुए और वो वहाँ से फिर से विजयी हैं। यहाँ पर उनके सामने थे LJP के प्रत्याशी, NDA के गठबंधन के दल के LJP के प्रत्याशी चंद्रशेखर राय, जिन्हें तकरीबन 34,114 मत प्राप्त हुए और वहाँ से वह चुनाव हार गए। ये तो 2015 और 2010 के जो हम आपको वहाँ पर विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे। अब बात करते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से, तो जाति यहाँ पर यादव का तकरीबन 22,000 से 26,000 के बीच में आंकी जाती है, यहाँ पर यादवों की संख्या तकरीबन 22,000 से 26,000 है। वहीं मुसलमान की बात किया जाए तो मुसलमान की संख्या 32,000 से 36,000 वारिसनगर में आंकी जाती है। अगर राजपूत समुदाय की बात किया जाए तो राजपूत समुदाय तकरीबन 12,000 से 14,000 वारिसनगर में हैं, और ब्राह्मण समुदाय की बात किया जाए तो ब्राह्मण तकरीबन 22,000 से 28,000 के बीच में आंकी जाती है। वहीं भूमिहार की बात किया जाए तो भूमिहार 3,000 से 6,000 के बीच में आंकी जाती हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए कोयरी समाज की, तो कोयरी समाज तकरीबन यहाँ पर 25,000 से 32,000 के बीच में है, और कुर्मी समुदाय की बात की जाए तो 30,000 से 35,000 के बीच में आंकी जाती हैं, और रविदास यानी कि जो चमार जाती हैं वो तकरीबन 18,000 से 22,000 के बीच में यहाँ पर आंकी जाती हैं। अगर वहीं बात की जाए तो पासवान जाति की, तो तकरीबन यहाँ पर 26,000 से लेकर 29,000 के बीच में आंकी जाती हैं। आप लोग इन आंकड़ों को गठबंधन और महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, अगर उन जातियों को मिला दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि कौन दल कितना हावी होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो हमें आप तक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी आज मैंने आपको समस्तीपुर के 10 विधानसभा क्षेत्र का सारे समीकरण आपको बता दिए हैं। अब हम कल जो बताएंगे वह जो अलग विधानसभा क्षेत्र होगा, लेकिन समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।